कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा सत्य कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा चढ़ते सूरज सा तेजवान वो कीर्तिमान हुंकार भरे जब पूछ करे थर थर कांपे आसमान वो राजपुत्र वो शूरवीर पर्वत को भेद दे उसके तीर शांति का स्रोत करुणा की धार निर्झर झरे मन से अपार वो राजपुत्र वो शूरवीर पर्वत को भेद दे उसके तीर है शाक्य वंश का वो तारा जगमग है जिससे जग सारा ये राजा द्रोणोदन आपने हमारा देवदाह तो देख ही लिया अब बताइए कि क्यों शाक्यों की राजधानी मानने से उसे विरोध किया जा रहा है किस बात में कम है हमारा देवदाह आपके कपिल वस्तु से भाग्य में भाग्य की कमी अर्थात अर्थात आप हमारे देवदत्त के भाग्य को ही ले लीजिए आयु में सिद्धार्थ से बड़ा है शिक्षित शूरवीर है परंतु भाग्य से युवराज का पद तो सिद्धार्थ को ही मिला क्या मैं अंदर आ सकती हूँ आओ यशोधरा आओ ये सारे पकवान मैंने स्वयं अपने हाथों से बनाए हैं मजले मामा उत्तम महाराज आपने यशोधरा को क्षमा करके हमारे हृदय का भार हल्का कर दिया और बताइए महाराज शुद्धोदन के पुत्र का परीक्षा में प्रदर्शन कैसा रहा षड्यंत्र रच के विजय हुए हैं युवराज वैसे परीक्षा के पश्चात उन्होंने स्वयं को पूरे कपिलवस्तु के सामने डरपोक और रणछोड़ प्रमाणित कर दिया वो कैसे चीते का हथियार छोड़कर जंगल से बच्चे को उठाकर ले गए वो तो हमारा देवदत्त था जिसने चीते का सर काट कर महाराज के चरणों में अर्पण कर दिया फिर तो ये बात शाक्य कुल में फैला देनी चाहिए कि उनका होने वाला सम्राट डरपोक है सिद्धार्थ की जगह देवदत्त को ही सम्राट बनाया जाए क्यों क्षमा करें मजले मामा पर अब अर्ध सत्य कह रहे हैं क्या सिद्धार्थ ने एक बच्चे के प्राण नहीं बचाए क्या सिद्धार्थ ने सारी परीक्षा प्रथम रहकर उत्तीर्ण नहीं की आपको विश्वास नहीं होगा परंतु सिद्धार्थ को कपिल वस्तु की प्रजा अपने हृदय में बसाती है तारे की चमक को कोई लाख मिटाने का प्रयत्न करे पर तारा चमकता ही है मजले मामा सिद्धार्थ ये लो मेरी तलवार मेरी इच्छा में जब भी तुम्हें देखो एक क्षत्रिय की तरह अपने शस्त्र के साथ देख इसका भार मैं नहीं उठा सकता सिद्धार्थ की आचार्य कौंडिन्य के साथ घनिष्ठता बढ़ रही ये उन्हीं की संगत और शिक्षा का परिणाम है कि सिद्धार्थ ध्यान की तरफ आकर्षित हो रहे हैं Thank you.
क्या हुआ देव, नींद नहीं आ रही? हाँ, मन में इतना उद्वेग पहले कभी नहीं था देवी। मैं सिद्धार्थ को समझ नहीं पा रहा, कहीं वो ऐसा कोई कार्य न कर बैठे जिससे हमारे पूर्वजों का नाम कलंकित हो। परंतु वो अर्थहीन बातें नहीं करता। हाँ, उसकी बातें सत्य होती है, फिर भी मैं उससे अप्रसन्न रहता। क्यों पता नहीं प्रजापति? क्योंकि आप चाहते हैं कि हमारा पुत्र आपके मार्ग पर चले, पर वो विलक्षण प्रतिभा, वो अपना मार्ग स्वयं सोचता है। वो उनमें से नहीं जो आंखें मूंद कर पीछे पीछे चलते हैं। परंतु अकेले जाने पर मनुष्य भटक भी सकता है प्रजापति। बस यही भय आपके उद्वेग का कारण है। यदि असित मुनि नहीं आते और सिद्धार्थ का भविष्य नहीं बताते तो ये भय कभी नहीं होता, और आपको सिद्धार्थ की सभी बातें सहज लगती। सत्य कह रही हो तुम, उसकी बातें मैं सहज स्वीकार नहीं करता। क्योंकि आप उससे बहुत स्नेह करते हैं। वो कुछ अनुचित करता हूं क्या? नहीं, पर मर्यादा से अधिक सावधानी भी कभी कभी संकट बढ़ा देती है। आइए देव। अब आप सो जाइए देव। देव, नींद से बड़ा मित्र नहीं और उद्वेग से बड़ा शत्रु नहीं। कुछ बातें ईश्वर पर भी छोड़ देनी चाहिए, वो सब ठीक करेगा। महाराज, आपका स्वप्न पहले प्रहर का है और ग्रंथ अनुसार पहले प्रहर का स्वप्न सच होता है। आप स्वप्न में सिद्धार्थ को ढूंढ रहे हैं, अर्थात आपके पथ से उसका पथ विपरीत है। दूजा, आपने सिद्धार्थ को समाधि में देखा, अर्थात वो शांति के पथ पर चलेगा। शरीर पर मिट्टी और पौधे, अर्थात उसने समाधि कई दिनों से लगाई होगी। उसने गेरुए रंग के कपड़े पहने, अर्थात
उसकी विचारधारा मुनि और योगी की भांति हो। कृपया शांत हो जाइए महाराज। महाराज विचलित ना, पहले प्रहर के स्वप्न सत्य होते हैं किंतु उसके एक नहीं कई संकेत होते हैं। स्वप्न का आकलन व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। स्वप्न में आप उन्हें खोज रहे थे, इसका अर्थ यह है कि किसी बात पर वो आपसे कहीं आगे निकल जाएंगे। स्वप्न में आपने उन्हें समाधि में पाया, इसका अर्थ यह है कि युवराज का संकल्प दृढ़ है। जो वो ठानेंगे वो करके रहेंगे। आपने उन्हें मुनि की भांति देखा, अर्थात लोग जैसे एक मुनि को पूछते हैं, युवराज को भी वैसे ही पूछे। महाराज हम सब जानते हैं कि युवराज की जन्म कुंडली में कई सिद्ध योग हैं। जिस राजा का संकल्प दृढ़ होता है वही चक्रवर्ती होता है। मैं आपके कथन से सहमत हूं कि स्वप्नों का आकलन व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। आचार्य कौंडिन्य, मेरा आपसे मतभेद है। आपने सिद्धार्थ को वो ज्ञान दिया जो मैं उसे देना नहीं चाहता था। आपने सिद्धार्थ को अहिंसा, ध्यान और मृत्यु का ज्ञान दिया, वो उचित न था। कुलगुरु वाचस्पति ने सच कहा महाराज, आकलन व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। जो बालक 8 वर्ष की आयु में सारे शास्त्र कंठस्थ कर लेता हो उससे क्या छुपेगा। महाराज वेदों और शास्त्रों में जगह जगह पर जीवन, मरण, मोक्ष, मुक्ति का उल्लेख है। केवल इन उल्लेखों और उपदेशों से कोई सन्यासी नहीं बन जाएगा। अब तक शमशान वैराग्य की भावना उनमें नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने अब तक किसी भी मनुष्य की अथवा अपने स्वजन की मृत्यु नहीं देखी। उन्हें मनुष्य रोग की अनुभूति नहीं हुई है। और रही बात अहिंसा और ध्यान की, तो अहिंसा उनका स्वभाव है और ध्यान उनकी रुचि। महाराज स्वभाव और रुचि मनुष्य अपने साथ लेकर जन्म लेता है, उसे सिखाया नहीं जाता। एक पक्षी की पीड़ा अथवा एक जीव की मृत्यु देखकर जो बालक बेहाल हो जाता है, मनुष्य के दुख उसके लिए अमूल्य हो। आप, हम यहां उपस्थित सब मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। प्राप्त करने के कई मार्ग, भक्ति, वैराग्य, ज्ञान। अब कौन सा मार्ग चुनना है इसका आकलन भी व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। फिर भी यदि आप सब गुणी जनों को मेरी शिक्षा प्रणाली अनुचित लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। महाराज मुझे यहां से जाने की अनुमति दे दीजिए। आचार्य कौंडिन्य, कृपा करके दक्षिणा स्वीकार कर। ऐसा क्यों होता है चन्ना, जब मनुष्य के जीवन में कोई साथ आता है तो उसे खुशी होती है, और जब छोड़कर चला जाता है तो ग्लानि। देवी गोपा के जाने का दुख है आपको? हाँ, आई थी तो मन भर गया था,
कहीं तो मानो कुछ खालीपन, जैसे आंख खुलते ही स्वप्न अदृश्य हो जाता है। अब मैं क्या कहूं युवराज, इस प्रश्न का उत्तर तो केवल आचार्य कौंडिन्य ने दे सकते हैं, मन के विषय में वो अधिक जानते हैं। हाँ, परंतु वो तो सवेरे से ही दरबार गए, न जाने कब लौटेंगे। कुलगुरु, मैं ये दक्षिणा स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों आचार्य? क्योंकि युवराज को दी गई मेरी शिक्षा महाराज को उचित नहीं लगी। आप उचित अनुचित को भूल जाइए आचार्य, कृपया आप इस दक्षिणा को स्वीकार कीजिए। नहीं, मैं अपनी शिक्षा के प्रतिफल में दक्षिणा लेता हूँ। केवल एक ब्राह्मण होने के नाते आश्रित होकर भिक्षा नहीं मांगता। क्या आप उस पर आक्षेप कर रहे हैं आचार्य कौंडिन्य? क्या आपने महाराज को प्रसन्न करने के लिए असत्य नहीं कहा? नहीं आचार्य, मैं इस राज्य का कुलगुरु हूँ। मेरा कर्तव्य यह है कि मैं राजा के प्रति, इस राज्य के प्रति निष्ठावान रहूं, कहीं उनका विश्वास खंडित ना हो जाए। वो चिंता मुक्त रहें कि वो अपनी प्रजा का अच्छा पालन कर सके। क्या आपको ज्ञात नहीं कि असित मुनि के एक कथन से पूरी की पूरी एक पीढ़ी को कपिलवस्तु से निकाल दिया गया था? और आपका भी इस राज्य के प्रति यही कर्तव्य था आचार्य कौंडिन्य, कि आप युवराज को क्षत्रियता का पाठ पढ़ाते, बाकी एक सन्यासी का। कुलगुरु, आत्मा भाग्य को साथ लेकर आती है। आपके अथवा मेरे कहने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता। मैंने युवराज को वो प्रत्येक शिक्षा दी है जो एक गुरु को अपने शिष्य को देनी चाहिए। क्षमा करें गुरुवर्य, जीवन निर्वाह के लिए जो शिक्षा से समझौता करे उसे गुरु नहीं कहते। पर महर्षि वाल्मीकि और सांदीपनि की तरह मुझे भी इस बात का सदैव अभिमान रहेगा कि कुछ वर्ष मैंने आने वाले युग के युग पुरुष के सानिध्य में बिताए और वो मेरा शिष्य था। कौंडिन्य के विचार तो आपने सुने भाई महाराज, क्या अब भी आप मेरे विचार से सहमत नहीं हैं? अब हमें आचार्य कौंडिन्य के वानप्रस्थ होने की इच्छा पूर्ण करनी चाहिए। आपका क्या सुझाव है कुलगुरु वाचस्पति? राजन, उनके विचार और हमारे विचार भिन्न हैं। अर्थात आपका भी यह मानना है कि आचार्य के वानप्रस्थ होने की इच्छा पूर्ण कर दी जाए? परंतु महाराज, उनका रिक्त क्या स्थान कोई पूरा नहीं कर सकता। और मैं शाक्यों का सिंहासन रिक्त नहीं रख सकता। मात्र मैं सिद्धार्थ को सन्यासी बनते नहीं देख सकता। यदि युवराज के हित को देखा जाए राजन, तो कौंडिन्य की इच्छा को तुरंत पूर्ण करना चाहिए। युवराज वन में जाए या ना जाए, परंतु आचार्य कौंडिन्य को वन में जाना ही होगा। सिद्धार्थ, सच कहते थे आचार्य कौंडिन्य, कभी कभी आंखें खुली होते हुए भी मनुष्य बेध्यान हो जाता है। ऐसे कैसे? देखो, हम निकले थे महल जाने के लिए, परंतु पहुंच गए नगर द्वार। ये नहीं रहे। किरात और मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, कब द्वार पर आ जाए। अरे वो देखिए, युवराज आ रहे हैं। युवराज, अगर युवराज ने इनके मृत शरीर को देख लिया तो क्या होगा? हमारा तो नगर निकला हो जाएगा। देखो, हम ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ये
क्या हुआ? आप सबकी आंखों में आंसू कैसे? अब क्या बताएं युवराज, वो अभी अभी सूखी हवा की ऐसी आंधी आई कि सबकी आंखें गीली कर गई। आंधी? मैं और चन्ना भी यहीं थे, हमने तो कोई आंधी नहीं देखी। सिद्धार्थ, क्या हुआ? क्यों सासू से तेज दौड़ रहे हो? इतने भयभीत क्यों? आचार्य कौंडिन्य कपिल वस्तु के गुरुकुल को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं। गुरुदेव कि आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, वानप्रस्थ हो रहे हैं? वानप्रस्थ मैं 8 वर्ष पहले ही होना चाहता था सिद्धार्थ, पर तुम्हारे कारण रुक गया। तो आज भी रुक जाइए ना गुरुदेव, आपके बिना यह सिद्धार्थ अधूरा है। अगर आप मुझे इस तरह छोड़कर चले। अरे सिद्धार्थ, तुम जानते हो ना उस पेड़ पर एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया। जी, वही जो रोज अपने बच्चों को अपनी चोंच से खाना लाकर खिलाती है। जी गुरुदेव, आज उस चिड़िया ने अपने उन बच्चों को घोंसले से धक्का दे दिया है। क्यों? प्रश्न तो मैंने भी अपने आप से किया था, क्यों? तभी मुझे प्रकृति के भेद का पता चला। धरती पर गिरने से पहले उस चिड़िया के उन बच्चों ने अपने पंख फड़फड़ाए और देखते ही देखते वो उड़ने लगे। परंतु गुरुदेव, मुझे पंख फैलाने नहीं आते। मुझे जाना होगा सिद्धार्थ, मेरा कर्तव्य पूरा हुआ, मैंने अपना संपूर्ण ज्ञान तुम्हें दे दिया है। अब सन्यास आश्रम का समय आ गया है और सन्यास आश्रम का मार्ग वानप्रस्थान से ही है। शास्त्रों में 4 आश्रम का ज्ञान दिया है और हर एक आश्रम का अपना एक महत्व है। परंतु गुरुदेव, मेरी शिक्षा तो अभी अधूरी है। आपने मुझे वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम का ज्ञान तो दिया ही नहीं। आचार्य कौंडिन्य, आपसे मतभेद, आपने सिद्धार्थ को अहिंसा, ध्यान और मृत्यु का ज्ञान दिया, उचित न था। कुछ बातें समझाई नहीं जाती सिद्धार्थ, समय के साथ साथ समझ में आती है। राग द्वेष मोह माया वासनाओं के बंधनों में बंधोगे तभी उसे छोड़ने का ज्ञान होगा। जिसका अनुभव नहीं उसकी बातें भी निरर्थक हैं। जैसे फल को पेड़ से तभी उतारा जाता है जब वो पूरी तरह पक जाए, वैसे ही वानप्रस्थ तो सन्यास आश्रम का ज्ञान तुम्हें गृहस्थ आश्रम के पश्चात ही होगा। परंतु गृहस्थ आश्रम के पूर्ण होने के पश्चात मैं आपको कहां ढूंढूंगा? उस समय तुम्हें मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी सिद्धार्थ, तुम स्वयं ज्ञानी हो जाओगे। कदाचित मैं ही तुम्हें ढूंढते हुए आ जाऊं। ये लो, इसमें मेरा सारा ज्ञान संजोए रखा है मैंने, उचित समय आने पर इसका चिंतन करना। तुम्हारे कुछ प्रश्नों के उत्तर तुम्हें अवश्य मिल जाएंगे। आपके बिना मैं अकेला रह जाऊंगा गुरुदेव, रुक जाइए आचार्य। क्या तुम्हें ऋग्वेद की ऋचा स्मरण है? जी। तो आंखें बंद करो और बोलो।
तत् त्वम् असि सह अहम् अस्मि अहम् ब्रह्मास्मि। जीवन किसी एक स्थान पर रुकता नहीं, जैसे नदी का पानी बहता रहता है, यदि वो एक स्थान पर रुक जाए तो दूषित हो जाता है। अपने मन को शांत कर, ध्यान में बैठकर अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर संयम पाने का प्रयत्न करें। शांत मन मनुष्य के प्रत्येक समस्या का चिकित्सक होता है। तुम्हें अपने आप मुक्ति मिलेगी। क्षमा कीजिएगा महाराज, किन विचारों में खोए हैं? नृत्य में भी आपका ध्यान नहीं है। क्षमा करें, हम आपका मनोरंजन नहीं कर पा रहे हैं। कोई त्रुटि हुई हमसे? नहीं मोहिनी, आज मन चिंताग्रस्त है। किस विषय में महाराज? असित मुनि की भविष्यवाणी तुम भली भांति जानते हो उदया, और युवराज की रुचि ध्यान की ओर बढ़ती जा रही। क्षमा करें, किंतु युवराज की सेवा करने का अवसर आपने हमें नहीं दिया। जब काम बांट चलता है ना महाराज, तो बड़े बड़े ध्यानी मुनि भी भोग की बोली बोलने लगते हैं, और युवराज ने काम का रंगीन संसार देखा ही कहाँ है। महाराज, मोहिनी बिल्कुल सत्य कह रही है। युवराज अभी तक कौंडिन्य के संपर्क में आए, इसलिए ध्यान की बातें करने, और जब वो इन सुंदरियों और मोहिनी के साथ रहेंगे तो भोग विलास में रत हो जाएंगे। महाराज, काम सबको पिघलाता है। यूं तो जीवन में कई अग्नि है, और अग्नि सब कुछ नष्ट कर देती है, किंतु एक अग्नि है जो सृजन करती है, जिस अग्नि से आनंद प्राप्त होता है, जो मन के वैराग्य को जलाता है और मोह पाश में जकड़ लेता है। ठीक है मोहिनी, आज से युवराज का उत्तरदायित्व तुम्हारा, काम शास्त्र तुम उसे सिखाओ। महाराज, इस काम वासना से आज तक कोई नहीं झूठा है। युवराज को काम शास्त्र का पाठ हम पढ़ाएंगे। और हाँ महाराज, शिरच्छेद कर दीजिएगा हमारा, यदि युवराज कामारूढ़ ना हो जाए तो। सिद्धार्थ, किन विचारों में डूबे? माँ,
मेरे मन में बार बार एक ही प्रश्न उठ रहा है, यदि मुझसे कोई अपराध हुआ है तो मुझे दंड दे। आचार्य कौंडिन्य को पद से हटाने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि वह स्वयं एकांत चाहते थे, वानप्रस्थ होना चाहते थे। उन्हें तो अपनी इच्छा से एकांत मिल गया और मुझे अकेलापन। आचार्य कौंडिन्य मेरे हर प्रश्न का उत्तर थे, मेरी जिज्ञासा का प्रत्युत्तर थे। अब मैं किससे प्रश्न करूंगा और किससे उत्तर पाऊंगा? ईश्वर से। ईश्वर जो स्वयं एक प्रश्न है, वो प्रश्न के उत्तर क्या देगा? जो ईश्वर बोलता नहीं, जो ईश्वर देखता नहीं, वो ईश्वर जिसका कोई ठिकाना नहीं। नहीं सिद्धार्थ, बल्कि यूं कहो कि सारी सृष्टि उसका ठिकाना है। देखो, ये सूर्य भी ईश्वर का एक रूप है, जो दिखाई देता है, जो अपने धूप से तुम्हें छूता भी है और अपने उजाले में सृष्टि का ज्ञान देता है। क्या ये किसी गुरु या आचार्य से कम है? और संध्या में जब ये डूब जाता है तो हम निराश नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है कि ये कल फिर आएगा एक नई सुबह के साथ। सिद्धार्थ, ईश्वर के एक नहीं अनेक रूप होते हैं। कभी वो आचार्य कौंडिन्य के रूप में आता है, तो कभी सूर्य बनकर, कभी मित्र के रूप में आता है, तो कभी पुत्र बनकर। न जाने कल तुम्हें किस रूप में मिल जाए। आइए महामंत्री जी, स्वागत है आपका। सुंदर, अति सुंदर, युवराज अवश्य पसंद करते। देवियों, आज तक केवल क्षत्रिय अपनी मातृभूमि के लिए युद्ध करते आए हैं। अपने तलवार के बल पर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते आए हैं, परंतु इस बार ये कार्य आप लोगों को करना है। तलवार तो हम उठा नहीं सकते, हम तो बस पलकें उठा सकते हैं। तलवार से अधिक बेधक शस्त्र हैं आपके पास। आपका सौंदर्य, आपका श्रृंगार, आपकी ये भाव भंगिमाएं, रति जैसी मादकता, और उन सबसे सर्वोपरि आपकी पुरुषों को समझने की क्षमता। युवराज स्वभाव से उदास है, करुणा से भरे हैं, दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं। आपका ये कर्तव्य होगा कि आप सब उन्हें वैराग के विपरीत उंगली पकड़कर जीवन का आनंद प्राप्त करने की शिक्षा दें, उन्हें समझाएं कि संसार में जितना दुख है उससे कहीं अधिक सुख है। ये रंगीन रातें, ये मादक शरीर, ये सुर सुरा, ये वो सुख है जिससे उनके मन में उठने वाली वैराग की भावना सदा के लिए समाप्त हो जाए। हम तो युवराज को देखने को बड़े आतुर हैं। और हम आपको उनसे मिलवाने को जो गणिका उनके आसक्ति का कारण बनेगी, वो सम्राज्ञी का सम्मान पाएगी। अति उत्तम, आप चिंतित ना हो महामंत्री जी। जीवन का ऐसा आनंद ना तो कभी उन्होंने सोचा होगा और ना ही कभी पाया होगा। उदासी उनकी दास होगी और आनंद उनका साथी। देखना, ये रतियां उनको
कामदेव बना के ही छोड़ेंगी। हाँ, और हमारा आपसे वचन है महामंत्री जी, युवराज जल्द ही स्वयं को पुरुष समझने लगेंगे, उनसे उनका वैराग्य छीन लेंगे हम। दीदी, क्या हम युवराज से लड़ने जा रहे हैं? लड़ने नहीं, हम उनसे प्रेम करने जा रहे हैं। हम युवराज को युवराज से महाराज बनाएंगे। कपिल वस्तु के लोग हमें बहुत बधाई देंगे। अर्थात युवराज यहाँ आएंगे? हाँ, युवराज यहाँ आएंगे। सच सच। अति उत्तम। संगीत और श्रृंगार युवराज को वैराग्य से वापस ले आए। बस महाराज, आप निश्चिंत हैं, युवराज सिद्धार्थ बहुत जल्द अपना वैराग्य खो देंगे। अनुज, प्रणाम। मां, तुम देवदास से कब लौटे? अभी अभी लौटे महाराज। अभी तक खुश तो है? जी। और महाराज दंडपानी? सदा की भांति बात तो मिश्रे की ही कर रहे थे, परंतु ईर्ष्या की गंध तो आ ही रही थी। आपसे और युवराज सिद्धार्थ से बड़ी ईर्ष्या करते हैं। महाराज, बोलो अंगद। कौशल नरेश का राजदूत आया है, महाराज से मिलने की अनुमति चाहता है। कौशल? जी महाराज। महाकौशल का राजदूत? क्यों? उसे कहो कि हम राज्यसभा में मिलेंगे। जो आ गया महाराज। कपिल वस्तु के शाक्य नरेश, महाराज शुद्धोदन, मैं आपको अपने पुत्र युवराज प्रसन्नजीत के राज्याभिषेक के अवसर पर श्रावस्ती पधारने का आमंत्रण देता हूं। आपकी उपस्थिति युवराज का सद्भाग्य होगा और मेरा बहुमान। मोहर, कौशल नरेश, महाराज महाकौशल। महामंत्री, कौशल राज को संदेशा भेजो कि उनके आमंत्रण के लिए हम आभारी। पुत्र का राज्याभिषेक हर पिता के जीवन के लिए सौभाग्य होता है। हम अवश्य पधारेंगे। महामंत्री, राजदूत को उनका सम्मान दिया जाए। जो आज्ञा। महाराज, क्या आपका कौशल राज जाना उचित होगा? मैं तो कहता हूं महाराज, किसी बात का निमित्त बनाकर टाल दीजिए। इस राज्याभिषेक का आमंत्रण केवल कौशल राज का शक्ति प्रदर्शन लगता है। नहीं महाराज, आपको वहां अवश्य ही जाना चाहिए। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी साथ चलूंगा। मुझे भी कौशल नगरी देखनी है और साथ ही युवराज प्रसन्नजीत को भी। हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी आज नहीं तो कल हमारा सामना प्रसन्नजीत से होगा ही। नहीं, तुम नहीं जा सकते। किंतु क्यों नहीं जा सकता? यदि मैं तुम्हें ले जाऊं तो मैं सिद्धार्थ को कैसे मना कर पाऊं? तो आप सिद्धार्थ को भी साथ ले चलिए। नहीं देवदत्त, इस समय कपिल वस्तु के भावी सम्राट को वहां ले जाना खतरे से कम। क्यों हर बार सिद्धार्थ की वजह से मुझे सही करना पड़ता है? क्यों आप उसे कोई भी कारण बता के मना नहीं कर सकते?
देवदत्त, अपने विवेक की चौखट मत लांगो। इतनी भी समझ नहीं कि महाराज से प्रश्न नहीं करते? जाओ यहां से। महाराज, देवदत्त की ओर से मैं क्षमा मांगता हूं, मैं उसे समझा दूं। क्रोध में चीजों को नष्ट करने का स्वभाव तुम्हें तुम्हारी माँ से मिला है। माँ से कुछ तो मिला, पिता से तो कुछ भी नहीं। देवदत्त, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज तक वही तो करता आया हूँ। शांत। और एक बात गांठ बांध लो। महाराज को निराश करने का अर्थ है अपने ही भाग्य को ठोकर मारना। सिद्धार्थ से दूर जा रहे हैं महाराज, उसे भोग विलास में इतना डुबो दो कि सांस लेने की सुध न रहे। उससे क्या होगा? विलास का तरीक उसे निष्क्रिय बना देगा। तलवार जब अधिक समय तक मयान में रहती है तो उसे जंग लग जाता है, और जंग लगी हुई तलवार पर प्रजा कभी भरोसा नहीं करती, समझे? सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा।